बाकी के संस्थापक क्या कहते हैं, मैंने जो लिखा है वही सच है, इसका कॉमा भी बदलना तुम लोगों को अलाउड नहीं है, इसका कॉमा भी बदलने की कोई हम लोगों को अनुमति नहीं देता। केवल एकमेव संस्थापक इस देश में ऐसे एक धर्म के हैं जो माता और पिता के पेट से जन्म लिया हुआ है। बाकी के संस्थापक हिंदू धर्म, अगर मैं हिंदू धर्म के ऊपर बोलने जाऊं तो 2 घंटे मुझे हिंदू धर्म के ऊपर लगेंगे, लेकिन मोहम्मद पैगंबर माता पिता के पेट से जन्म है, या जीसस क्राइस्ट हो, मैं किसी के ऊपर टीका नहीं करना चाहता, एक कंपैरिजन कर रहे हैं। आज बुद्धा को 2 हाथ हैं 2 पैर, आपने कभी देखा कि 4-5 हाथ आ गए बुद्धा को, यहां से गायब हो गए वहां से प्रकट हो गए, सिर्फ 2 पैर हैं बुद्धा के पास, बाकी हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं निकाले, यहां से गायब 1 सेकंड में जम्मू कश्मीर में प्रकट हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर से गायब हो जाएंगे डायरेक्ट चेन्नई में प्रकट हो जाएंगे, वहां से गायब हो जाएंगे पंजाब में प्रकट हो जाएंगे, पंजाब से गायब हो जाएंगे गुजरात में प्रकट हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे 1 सेकंड में, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास है, इतने अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन इनके पास है, और बुद्धा के पास ट्रांसपोर्ट का कौन सा साधन है, सिर्फ दो पैर बुद्धा के पास है, लेकिन आज बुद्धिज्म सारे जग में फैल गया, लेकिन हिंदुइज्म भारत के बाहर नहीं गया, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भारत के बाहर तक ये हिंदू धर्म क्यों नहीं गया, आप तो यहां से गायब हो रहे थे वहां पे प्रकट हो रहे थे। ये सारा जो मामला चल रहा है इस देश में वो क्यों चल रहा है पता है, आपके दिमाग को काबिज करने के लिए ये सारा मैटर चल रहा है। बुद्धिज्म ये केवल आपके दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए आपको बताता है, बुद्धिज्म आपको अंधविश्वास नहीं बताता, बुद्धिज्म केवल आपके दिमाग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है ये आपको बताता है। बाकी के लोग क्या कहते हैं, जो लिखा है उस तरह से करो, यानी आपकी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये हिंदुइज्म ये ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म की लड़ाई है, ये आपस की लड़ाई चल रही है, ये आपस में विचारों की लड़ाई चल रही है। आज 2 ही वर्ग इस देश में ऐसे हैं जो भगवान के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करते, एक बुद्धिस्ट और दूसरे ब्राह्मिण्स। ब्राह्मिण्स इस देश में कभी भी भगवान के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करते, वो इस देश के लोगों को स्वीकार कराने के लिए मजबूर करते हैं, गणपति आए तो 10 दिन का रखो, 11 दिन का रखो, 15 दिन का रखो, खुद 1 दिन के ऊपर नहीं रखेगा, खुद की मूर्ति 1 फुट के ऊपर नहीं होगी, लेकिन दूसरों की मूर्ति 21 फुट की रखो, 22 फुट की रखो, वो होने के बाद नवरात्र फिर 9 दिन देवी, वो नहीं होता तो दिवाली, दिवाली नहीं होती तो कंटिन्यूसली, यानी इंसान इस देश का इंसान ये ऐसा गर्दन ऊंचा करने तक का उसको टाइम नहीं देते, ये लोग सोचने तक का टाइम नहीं देते, ये इस तरह से इस देश में हमारे मस्तिष्क को गुलाम बनाने का ये सारा काम इस देश में चल रहा है, और इसलिए ये इस देश के लोगों को सही में उनके बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो, और इसीलिए भत्ते असंध जी को मेरे ख्याल से भंडारी जी ने यहां पर बुलाया। मेरे बाद मैंने बंते जी से विनती की कि आप धम्म देशना में ये सारे मैटर ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर कीजिएगा कि किस तरह से हमारे बुद्धि का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम लोग हमारे जीवन को सुखी कर सकते हैं। इसलिए मैं रिपीट ना हो इसलिए वो मुद्दे को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आगे चल के वही मुद्दे अगर आने वाले हैं तो रिपीट ना हो, और वैसे भी 3 बज रहे मुझे फिर से यूपी चलना है, यहां से यूपी जाना है, इसलिए मैं अपने बात को शॉर्ट में रखता हूं। आज जो धम्म दीक्षा के माध्यम से हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, बंते जी के माध्यम से त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करके हमारी दीक्षा
यहाँ पर संपन्न होगी। आप लोगों को दीक्षा के सर्टिफिकेट हो सके तो ऑन द स्पॉट या कल एक दो दिन में आप लोगों के पास मिल जाए, ऐसे मैं विनती भंडारी जी से करूंगा। दूसरी और एक बात मैं आप लोगों को करना चाहूंगा, जो बात धम्म दीक्षा के संबंध में नहीं है लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के संबंध में है, क्योंकि आज 14 अक्टूबर को 2017 को हम लोग यहां पर मिले हैं, पता नहीं फिर बाद में हम लोग मिले नहीं मिले, यानी एक दो महीने तीन चार महीने में हो सकता है एक साल के बाद मिले, इसलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज मैं यहां पर आया, जैसे कुछ लोग मुझे बिहार में आके मिले, वो जानना चाह रहे थे, हमारे यहाँ पर भंडारा से आए हुए हमारे पहचान के कार्यकर्ता हैं, वो बता रहे थे बाबा साहब अंबेडकर जी के फैमिली के बारे में, सब बता रहे थे, एक एक बातें बता रहे थे। तब वो बताते बताते उनको कहा कि राजरत्न जो था ये बाबा साहब अंबेडकर जी का सबसे प्यारा लड़का था, तो उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। वो सबसे पीछे है गजबिये जी, डॉक्टर गजबिये जी, तो उन्होंने एक बात जो चार लोगों में कही वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी का परिवार, यानी हम लोगों का परिवार कोई बहुत बड़ा परिवार ऐसा है तो नहीं कि इतने लोगों के नाम याद रखे, बहुत छोटा सा परिवार। बाबा साहब अंबेडकर जी और उनके बड़े भाई, इन दोनों की फैमिलीज आगे बढ़ी, यानी हम लोगों को पता है रामजी अंबेडकर के 14, यानी बाबा साहब अंबेडकर जी को हम लोग 14वें रत्न कहते हैं, 14वें सुपुत्र कहते हैं, लेकिन इन 14 में 7 लोग तो बचपन में ही चल बसे थे, जिनकी फैमिलीज हुई, जो दो बेटे हैं वो दो ही लोगों की फैमिलीज हुई, 11वें नंबर के आनंद राव और 14वें नंबर के भीमराव, भीमराव यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इन दोनों ही राम जी के दोनों लड़कों की फैमिलीज बनी, आनंद राव जी के लड़के मुकुंद राव, भीमराव जी के लड़के यशवंत राव, मुकुंद राव यानी मेरे दादाजी, यहाँ पर भैया साहब जी के 4 लड़के हुए, प्रकाश अंबेडकर, जिनको हम लोग आज पॉलिटिकल फेस हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद आनंद राव जी हैं, भीमराव जी हैं और रमत है, ऐसे 4 उनके हैं, मुकुंद राव जी के अशोक अंबेडकर यहाँ बैठे हैं, और दिलीप है, विद्या है, सुजाता है, वो 4 हैं, ऐसे 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, ऐसे ग्रैंडसन की पीढ़ी, जनरेशन ग्रैंडसन्स की जनरेशन, अभी उसके भी आगे ये जनरेशन गई है, उनके आगे आज मैं आया हूँ, यानी बाबा साहब अंबेडकर जी की 3rd जनरेशन, आफ्टर बाबा साहब अंबेडकर 3rd जनरेशन के लोग आज इस मूवमेंट में उतर रहे हैं, जैसे अशोक अंबेडकर जी का मैं यहाँ पर लड़का हूँ, प्रकाश अंबेडकर जी का सुजात भी आज मूवमेंट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग 3rd जनरेशन की ये सारी पीढ़ी आज यहाँ पर मूवमेंट में उतरने को रेडी हो गए, और ये रेडी होने के लिए जो अभ्यास करने की आवश्यकता हम लोगों को थी या मुझे थी, वो पूरा अभ्यास करके मैं उतरा हूं। 2008, आज मैं 2017 में आपके सामने, 2008 से लेकर कंटिन्यूसली मैं घूम रहा हूं, कंटिन्यूसली घूम रहा हूं, और 2017 में आपके पास आता हूं। ये अचानक भंडारी जी मुझे कल मिले और आज लेके आए, ऐसा नहीं है, 2.5 साल से मेरे परिचय में और 2.5 साल से ये कार्यक्रम का डिजाइन हो रहा है, और ये सारा रेडी होने के लिए जो बाबा साहब का लिटरेचर हम लोगों को रेडी करता है वो भी आवश्यक है। बाबा साहब अंबेडकर उनके बुक में राजरत्न के बारे में लिखते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि ये राजरत्न जब 2.5 साल का हुआ तब उसको डबल निमोनिया हुआ था, डबल निमोनिया, निमोनिया ही पता नहीं कितना भयंकर होता होगा जिसको होता होगा, डबल निमोनिया में क्या उस बच्चे के ऊपर होता होगा पता नहीं, लेकिन 2.5 साल के बच्चे को डबल निमोनिया हुआ, और बाबा साहब कहते हैं कि इस बच्चे का उपचार करने तक मेरे पास पैसे नहीं थे, उस समय मेरे पास इस बच्चे के उपचार के लिए भी पैसे नहीं थे, और एक दिन अचानक इसका जो बुखार था
वो बहुत बढ़ गया। और तब मैं हाईकोर्ट में एक केस के सिलसिले में गया हुआ था। माता रमाई ने बाबा साहब के लिए संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब जहां कहीं भी हो उन्हें फौरन घर लेके आओ। माता रमाई का यह संदेशा जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को हाईकोर्ट में मिला, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हाईकोर्ट के उस दरवाजे से एक टांगे में बाबा साहब अम्बेडकर बैठे, और जिस चाली में बाबा साहब अम्बेडकर रहा करते थे उस चाली के सामने आकर वो टांगा रुक गया। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 10x10 के रूम में जैसे ही प्रवेश करते हैं वो राजरत्न अपने प्राण त्याग करता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर उस राजरत्न को लेकर इतने फूट फूट कर रोते हैं, जमीन पर बाबा साहब अम्बेडकर लेट कर रो रहे हैं। और उस अवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यकर्ता उनको देखते हैं और बाबा साहब को शांत करते करते उनको प्रश्न करते हैं कि बाबा साहब